जय हिंद। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और फॉलो करेंगे अबाउट कॉनकेवलेंस। सो राइट नाउ हमारा टॉपिक है रूल्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज। रूल्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव लेंस। पहला रूल है लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस व्हेन स्ट्राइक ऑन कॉनकेव लेंस। लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस व्हेन स्ट्राइक्स ऑन कॉनकेव लेंस डाइवर्जेस इन सच अ वे। डाइवर्जेस इन सच अ वे that on extension it passes through focus, diverges in such a way that on extension passes through focus. तो अगर light ray principal axis को parallel है और concave lens पे strike करती है तो वो diverge होगी, बाहर की तरफ जाएगी, इस प्रकार कि उसको extend करने से वो कहाँ से pass होगा? focus। और दूसरा तो आपके लिए फैमिलियर ऑलरेडी है कि अगर लाइट रे पास होता है कहाँ से? ऑप्टिकल सेंटर, तो डज नॉट बेंड। लाइट रे पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर डज नॉट बेंड। तो दो रूल हमारे पास है। पहला, अगर प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है और कॉनकेव लेंस पे स्ट्राइक करेगा तो डाइवर्ज होगा, इस प्रकार कि उसको एक्सटेंड करने से फोकस से पास होगा। दूसरा, अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा तो बेंड होगा नहीं। आइए, कॉनकेव लेंस की हमारी एक ही डायग्राम है इसलिए आपको डायग्राम पे बराबर ध्यान देना, सिर्फ एक है। अब ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रखो, इसका भी प्रॉब्लम नहीं है, आपकी चॉइस है, आप जहां चाहे वहां पे ऑब्जेक्ट को प्लेस कर सकते हो। तो मैंने ऐसे ऑब्जेक्ट प्लेस कर लिया। सो दिस इज ऑब्जेक्ट, तो ये है ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया। अब रूल वन फॉलो करते हैं। आप देख सकते हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस डाइवर्ज होगा और एक्सटेंड करने से फोकस से पास होगा, तो ये हमारा फोकस ऑलरेडी है। Okay, look at this. Light ray parallel to principal axis when strikes on concave lens diverges in such a way that on extension passing through focus. अब rule 2 तो आपको पता ही है, अगर optical center से गया तो bend होगा नहीं। Light ray passing through optical center does not bend. अब यह है दूसरा रूल। तो अब हमने दोनों रूल फॉलो कर लिए। आप देख सकते हो एक पॉइंट है जहां पे लाइट रे क्रॉस करी है और जहां लाइट रे क्रॉस करती है वहां पे क्या बनेगा? इमेज। तो यहां पे बन गया इमेज, बट सरप्राइजिंगली यहां पे दो लाइन में एक लाइन एक्सटेंडेड है और आप तो जानते हो एक्सटेंडेड लाइट से अगर इमेज बनता है तो इमेज इज वर्चुअल। इमेज इज वर्चुअल, सीधा बना इरेक्ट, इमेज इज वर्चुअल इरेक्ट। एंड ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज छोटा है, इट इज डिमिनिश। इमेज इज वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश। आप एक इमेज बनाओ या सौ, सारी के सारी इमेज कैसे बनेगी? वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश, और हमेशा बनेगी वो लेफ्ट साइड में। तो इंपॉर्टेंट नोट लिख रहा हूं, जैसे कॉन्वेक्स लेंस के लिए लिखा था, अब कॉनकेव, ऑल द इमेजेस
formed by all the images formed by concave lens, all the images formed by concave lens are on left side. ये सिर्फ left side पे ही रहेगा. आप जानते थे convex में right और left दोनों बना, यहां सारी के सारे left पे. All the images formed by concave lens are on left side. And is, कैसी है वो? Virtual, erect and diminish. सारी के सारी virtual, erect एंड डिमिनिश. तो याद रखें कॉनकेव लेंस से सारी के सारी इमेजेस लेफ्ट साइड में बनेगी, कॉनकेव लेंस से सारी के सारी इमेजेस वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश बनेगी. इसलिए अब ये हो गया कंफर्म, कॉन्वेक्स लेंस की इमेजेस, कॉनकेव लेंस की इमेजेस. अब हमें देखना है दोनों का डिफरेंस. अभी डिफरेंस आएगा कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस का. आप बार बार रिपीट कर कर के वीडियो देखते रहें, ठीक है, कई बार देखें ताकि आपको अच्छे से समझे. अब कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस का डिफरेंस, पहला तो आपके लिए डेफिनेशन आएगा, द लेंस इन विच मिडल पोर्शन इज ब्रॉड एंड एंड्स आर नैरो. द लेंस इन विच मिडल पोर्शन इज ब्रॉड एंड्स आर नैरो इज कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस. इधर द लेंस इन विच मिडल पोर्शन इज नैरो एंड एंड्स आर ब्रॉड, मिडल नैरो एंड एंड्स आर ब्रॉड इज कॉल्ड कॉनकेव लेंस. दूसरा आपको याद होगा कॉन्वेक्स लेंसेज कन्वर्जिंग लेंस, ये लाइट रे को बेंड करता है इनवर्डली, तो कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस, कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग लेंस. यहाँ कॉनकेव लेंस में लाइट बाहर की तरफ जाता था, आउटवर्ड मूवमेंट है यानी डाइवर्जेंस, इसलिए डाइवर्जिंग लेंस. अब कॉन्वेक्स लेंस में फोकस, फोकस इज ऑन राइट साइड. कॉन्वेक्स का फोकस राइट पे होता है, कॉनकेव में फोकस इज ऑन लेफ्ट साइड. कॉनकेव का फोकस लेफ्ट साइड पे जबकि कॉन्वेक्स का फोकस राइट साइड पे. ध्यान देना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इमेजेस आर फॉर्म्ड, इमेजेस आर फॉर्म्ड ऑन बोथ साइड, इमेजेस आर फॉर्म ऑन बोथ साइड ऑफ लेंस. लेंस के दोनों साइड पे इमेज बनेगी, राइट में भी इमेज बनेगी लेफ्ट में भी इमेज बनेगी. आगे इमेजेस आर फॉर्म्ड ओनली ऑन, ओनली ऑन किधर, लेफ्ट साइड. कॉनकेव से इमेज सिर्फ लेफ्ट साइड पे ही बनती, फिगर देखो ये कॉनकेव, हमेशा इमेज किधर बनेगी, लेफ्ट में ही बनेगी. इमेजेस आर फॉर्म ओनली ऑन लेफ्ट साइड. पांचवा बोथ रियल एंड वर्चुअल, बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेजेस आर फॉर्म, तो दोनों भी रियल और वर्चुअल इमेजेस तैयार होती हैं. राइट में कॉन्वेक्स लेंस रियल, लेफ्ट में वर्चुअल. पर अभी हमने यहाँ पे आपको फिगर बताई थी, एक बार फिर से बताऊंगा, इमेजेस आर फॉर्म्ड ओनली ऑन लेफ्ट साइड ऑफ लेंस, लेंस के लेफ्ट साइड पे ही इमेजेस बनती हैं. देखिए सिर्फ लेफ्ट पे, राइट में कभी इमेज बनेगा नहीं, ठीक है. और कौन सा, सॉरी, लेफ्ट साइड ऑफ लेंस, और वो भी कौन सा बनेगा, वर्चुअल. इमेजेस आर फॉर्म ओनली ऑन लेफ्ट साइड ऑफ लेंस एंड ओनली वर्चुअल इमेज,
virtual image is formed. कॉन्वेक्स लेंस से रियल और वर्चुअल दोनों बनेगी, लेकिन कॉनकेव से सिर्फ वर्चुअल बनेगी, वो भी किधर? ओनली ऑन लेफ्ट साइड. नेक्स्ट, बोथ मैग्नीफाइड एंड डिमिनिश इमेज, बोथ मैग्नीफाइड एंड डिमिनिश इमेज आर फॉर्म. मैग्नीफाइड और डिमिनिश इमेज दोनों तैयार होती हैं, जबकि कॉनकेव से सिर्फ डिमिनिश, ओनली डिमिनिश इमेज इज फॉर्म. तो पहले पॉइंट पे आते हैं, ऐसा लेंस जिसमें मिडल पोर्शन ब्रॉड है, एंड्स नैरो, कॉन्वेक्स. ऐसा लेंस जहां मिडल नैरो है, एंड्स ब्रॉड है, वो कॉनकेव. कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग लेंस है, कॉनकेव डाइवर्जिंग लेंस है. कॉन्वेक्स का फोकस राइट, कॉनकेव का फोकस लेफ्ट. कॉन्वेक्स से इमेजेस दोनों साइड पे बनती है, राइट लेफ्ट, लेकिन कॉनकेव में लेफ्ट. कॉन्वेक्स से रियल और वर्चुअल दोनों बनेगी, कॉनकेव से सिर्फ वर्चुअल. कॉन्वेक्स से मैग्नीफाइड और डिमिनिश दोनों बनेगी, लेकिन कॉनकेव से सिर्फ डिमिनिश इमेजेस ही बनती है. तो यह है कॉन्वेक्स और कॉनकेव का डिफरेंस. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, और अब हमारे लिए अगला टॉपिक आ रहा है, मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंस. मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंस, आप अभी ध्यान दें, मैग्नीफिकेशन को इन वर्ड्स एक्सप्लेन करने के पहले या मैग्नीफिकेशन की डेफिनेशन इन वर्ड्स बताने के पहले ही मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है कि इमेज ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कितने गुना बड़ा है या कितने गुना छोटा है. ट्रांसलेट अगर किया तो मैग्नीफिकेशन इंडिकेट हाउ मेनी टाइम्स दैट द ऑब्जेक्ट दैट द इमेज इज हाउ मेनी टाइम्स दैट द इमेज इज लार्जर और स्मॉलर हाउ मेनी टाइम द इमेज इज लार्जर और स्मॉलर इन साइज लार्जर और स्मॉलर इन साइज एज कंपेयर्ड टू ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज कितने गुना बड़ा है या कितने गुना छोटा है, ये बताने का काम किसका है? मैग्नीफिकेशन. तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट कर रहे हैं. सो हियर मैग्नीफिकेशन इज द रेशियो ऑफ मैग्नीफिकेशन इज द रेशियो ऑफ image distance to object distance. Image distance to object distance. तो यहां पर देखो, magnification equals to image distance upon object distance. तो मैंने कहा था magnification is the ratio of image distance to ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. तो इमेज डिस्टेंस v, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, तो फॉर्मूला आ गया v अपॉन u, तो आ गया m इज इक्वल टू v बाय u. सो यू गॉट हियर फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ मैग्नीफिकेशन दैट इज v अपॉन u. तो ये था पहला. लेकिन बेटा मैग्नीफिकेशन की और एक डेफिनेशन है, वो भी हम सुन लेते हैं. मैग्नीफिकेशन इज द रेशियो ऑफ मैग्नीफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. Height of image
टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट का रेशियो ये भी हमारे लिए मैग्नीफिकेशन है। तो अब ये दूसरा फॉर्मूला देखिए, मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंस इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर अब हमारे लिए m इज इक्वल टू आ गया h2 अपॉन h1, h2 हाइट ऑफ इमेज, h1 हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इस प्रकार दो डेफिनेशन आ गई। पहली में क्या बोला, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस इज द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और दूसरा कहा हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इक्वेशन वन और टू देखो, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, इसलिए हमने कहा कंबाइन इक्वेशन वन एंड टू। अब इक्वेशन वन और टू को कंबाइन किया तो आएगा v अपॉन u इक्वल्स टू h2 अपॉन h1। तो यहाँ इक्वेशन वन v अपॉन u, इक्वेशन टू h2 अपॉन h1, तो फॉर्मूला आ गया v by u इक्वल्स टू h2 by h1। सो मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस इज द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस v by u, और मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h2 by h1। दोनों को कंबाइन किया v by u इक्वल्स टू h2 अपॉन h1। तो ये हो गया बेटा मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। नाउ द नेक्स्ट वन लेंस फॉर्मूला। अब ये लेंस फॉर्मूला है वन अपॉन f इक्वल्स टू वन अपॉन v माइनस वन अपॉन u। द फॉर्मूला विच गिव्स रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। द फॉर्मूला विच गिव्स, एक ऐसा फॉर्मूला जो हमें रिलेशनशिप देगा तीन चीज़ों की, किसकी, फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ अ लेंस, इज कॉल्ड एज लेंस फॉर्मूला। एफ का मतलब होता है बेटा फोकल लेंथ, अभी थोड़ी देर पहले बताया, वी का मतलब होता है इमेज डिस्टेंस, और यू का मतलब होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सो द फॉर्मूला विच गिव्स रिलेशनशिप बिटवीन, द फॉर्मूला विच गिव्स रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। वापस बोल रहा हूँ, फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ अ लेंस, ऑफ अ लेंस इज कॉल्ड एज लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूला है आपके लिए वन अपॉन एफ इक्वल्स टू वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू। रिपीट करेंगे, द फॉर्मूला विच गिव्स रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ लेंस इज कॉल्ड एज लेंस फॉर्मूला। अभी अगला टॉपिक आ रहा है साइन कन्वेंशन, या जिसे कहते हैं न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। अब ये न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन हमें कहता है कि एनी डिस्टेंस ऑन राइट साइड ऑफ लेंस, एनी डिस्टेंस, सुनते जाइए, मैं लिखवा के नहीं दे रहा हूँ, एनी डिस्टेंस ऑन द राइट साइड ऑफ लेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर से लेंस के राइट साइड पर, ऑप्टिकल लेंस से लेंस के राइट साइड पर जो भी डिस्टेंस रहेगा वो डिस्टेंस रहेगा पॉजिटिव। एनी डिस्टेंस ऑन राइट साइड ऑफ लेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर इज टेकन एज पॉजिटिव,
तो ऑप्टिकल सेंटर से राइट की तरफ पॉजिटिव, जैसे कि कॉन्वेक्स का फोकस राइट में है पॉजिटिव, इमेज डिस्टेंस हो सकता है राइट में पॉजिटिव। ऐसे ही एनी डिस्टेंस ऑन लेफ्ट साइड ऑफ लेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, एनी डिस्टेंस ऑन लेफ्ट साइड ऑफ लेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर इज टेकन एज निगेटिव। कोई भी डिस्टेंस हो लेंस के लेफ्ट साइड में अगर डिस्टेंस है ऑप्टिकल सेंटर से, उसे निगेटिव। ये कुछ मैथ्स में ग्राफ की तरह होता है, जैसे आप ग्राफ में राइट साइड पे पॉजिटिव लेते हो, लेफ्ट साइड पे निगेटिव लेते हो, वैसे ही यहाँ पर भी ऑप्टिकल सेंटर से राइट की तरफ डिस्टेंस पॉजिटिव, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट की तरफ डिस्टेंस निगेटिव, तीसरा अगर प्रिंसिपल एक्सिस, अब मैंने ऑप्टिकल सेंटर नहीं बोला प्रिंसिपल एक्सिस, अगर प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ कोई डिस्टेंस है तो उसे पॉजिटिव, और चौथा प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ अगर कोई डिस्टेंस है तो वो निगेटिव। अब बेटा एक तो कॉमन वर्ड है, आपने सुना है कि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में ही रहता है, इसलिए ऑब्जेक्ट हमेशा क्या रहेगा, निगेटिव। ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में ही रहता है इसलिए ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, निगेटिव। ऑब्जेक्ट इज प्लेस ऑलवेज ऑन लेफ्ट साइड ऑफ लेंस, दैट्स व्हाई वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज निगेटिव। उसी प्रकार से हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, अबव प्रिंसिपल एक्सिस, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। वाई, क्योंकि सर ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रहता है, और ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है इसलिए उसकी हाइट हमेशा पॉजिटिव रहेगी। तो ये बहुत ही सिंपल लॉजिक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा निगेटिव। वाई, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में, निगेटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा अबव प्रिंसिपल एक्सिस इसलिए पॉजिटिव। तो राइट में पॉजिटिव, लेफ्ट में निगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव, दिस इज कॉल्ड साइन कन्वेंशन। ठीक है, तो इतना पोर्शन आप याद रखिए, आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अभी पावर ऑफ लेंस, डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस बाय लेंस इज कॉल्ड एज पावर ऑफ लेंस। तो अगर एक लेंस कन्वर्ज करता है लाइट को या एक लेंस डाइवर्ज करता है तो वह कितनी डिग्री पे कन्वर्ज कर रहा है, 10 के, 20 के, 50 के। सो डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस बाय लेंस इज कॉल्ड एज पावर ऑफ लेंस। तो याद रखे बेटा, कोई भी लेंस हो, नेचुरली लेंस होगा तो कॉन्वेक्स होगा, कॉनकेव होगा, या तो वो कन्वर्जिंग लेंस होगा या डाइवर्जिंग। तो लाइट रे को बेंड करेगा, या तो इनवर्ड बेंड करेगा या आउटवर्ड, पर वो कितने डिग्री पे बेंड हो रहा है। सो डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस बाय लेंस इट इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। सादी भाषा में रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर इज कॉल्ड एज पावर ऑफ लेंस। रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर इज कॉल्ड एज पावर ऑफ लेंस। तो ये हो गया P इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, पर क्या लिखा मैंने, इन मीटर। सो रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर, अगर वैल्यू सेंटीमीटर में दी है तो आपको क्या लेनी है, मीटर। रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। अब जरा देखो, यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डायोप्टर। पावर ऑफ लेंस का यूनिट डायोप्टर। ध्यान दो अभी, फॉर कॉन्वेक्स लेंस इट इज पॉजिटिव,
for concave lens it is negative. तो अगर आपके पापा का चश्मे का नंबर माइनस है, अगर आपके पापा का चश्मे का नंबर माइनस है तो पापा की लेंस कौन सी है? कॉनकेव. और अगर आपके पापा के चश्मे का नंबर प्लस है तो आपके पापा के चश्मे की लेंस कौन सी है? कॉन्वेक्स. हम बोलते हैं ना मेरा माइनस 1.5 है चश्मे का नंबर, तो माइनस मतलब लेंस कौन सा? कॉनकेव. और किसी ने कहा कि मेरे चश्मे का जो नंबर है वो प्लस 0.5 है, तो प्लस मतलब कॉन्वेक्स. तो याद रखे बेटा, ये प्लस माइनस इसलिए आया क्योंकि कॉन्वेक्स का फोकस राइट में है, कॉन्वेक्स का फोकस राइट, और राइट की जो वैल्यू रहती है वो पॉजिटिव. कॉनकेव का फोकस लेफ्ट में, लेफ्ट वाली वैल्यू निगेटिव. तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए पावर पॉजिटिव, कॉनकेव लेंस के लिए पावर निगेटिव. तो डॉक्टर ने अगर प्लस नंबर दिया मतलब कौन सी लेंस लगने वाली है? कॉन्वेक्स. डॉक्टर ने अगर नंबर माइनस दिया है तो कौन सी लेंस लगने वाली है? कॉनकेव. तो डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस बाय लेंस, पावर ऑफ लेंस. सादी भाषा में रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस. पी इज इक्वल टू 1/f इन मीटर. यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस डायोप्टर, उसे डी से डिनोट करते हैं. कॉन्वेक्स लेंस के लिए पावर पॉजिटिव और कॉनकेव लेंस के लिए पावर निगेटिव. सो फॉर कॉन्वेक्स लेंस पावर इज पॉजिटिव, फॉर कॉनकेव लेंस पावर इज निगेटिव. तो जब भी पॉजिटिव आया तो समझ जाना लेंस कॉन्वेक्स, अगर निगेटिव आया तो समझ जाना लेंस कॉनकेव. नेक्स्ट टॉपिक है अभी पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, सम ऑफ पावर ऑफ इंडिविजुअल लेंसेस. सम का मतलब आप जानते हो एडिशन, सम ऑफ पावर ऑफ इंडिविजुअल लेंसेस. एडिशन ऑफ पावर ऑफ इंडिविजुअल लेंसेस इज कॉल्ड पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस. अब मान लो कि हमारे पास दो या दो से ज़्यादा लेंस है, अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा लेंस है तो पावर कैसे निकालेंगे? एग्जाम्पल, ये पहला लेंस है, इसकी पावर है प्लस 3 डायोप्टर, कॉन्वेक्स है. ये दूसरा लेंस है, इसकी पावर है माइनस 2 डायोप्टर, कॉनकेव है. दोनों को कंबाइन कर दिया, दोनों को चिपका दिया, तो पावर इज इक्वल टू P1 + P2. दोनों को क्या करना है हमें? सम. मैंने क्या कहा? सम ऑफ पावर ऑफ इंडिविजुअल लेंसेस, पी इज इक्वल टू P1 + P2. P1 का पावर क्या है? प्लस 3. P2 का पावर क्या है? -2. +3 -2, आंसर क्या आ गया? +1 डायोप्टर. तो ये जो +1 डायोप्टर अभी आया, ये है पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस. तो सम ऑफ पावर ऑफ इंडिविजुअल लेंसेस इज कॉल्ड एज पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस. सम ऑफ पावर ऑफ इंडिविजुअल लेंस इज कॉल्ड एज पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस. तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस यानी P1 + P2 + P3 = P इज इक्वल टू P1 + P2 + P3. ओके, तो ये था एक पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस. एक मार्क के लिए न्यूमेरिकल के टाइम पे ज़्यादा बेटर तरीके से ध्यान में आएगा. एक डेफिनेशन रह गया, वो ले लेता हूँ. नाउ द डेफिनेशन इज वन डायोप्टर पावर ऑफ लेंस इज सेड टू बी वन डायोप्टर इफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज 1 meter. Power of lens is said to be 1 diopter. Power of lens is said to be 1 diopter if focal length of lens is 1 meter. जरा बोर्ड पे देखो, सॉरी अपने पेजेस पे देखो. P is equal to 1/f. Focal length कितना बोला? 1 meter. तो 1/1. तो आंसर क्या आया? 1. Power का यूनिट डायोप्टर. सो पावर ऑफ लेंस इज सेड टू बी 1 diopter इफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस
फोकल लेंथ किसका, लेंस का, इज 1 meter, तो 1/1 1 diopter. सो पावर ऑफ लेंस इज सेड टू बी, पावर ऑफ लेंस इज सेड टू बी 1 diopter. पावर ऑफ लेंस इज सेड टू बी 1 diopter इफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज 1 meter. फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज 1 meter. अब ध्यान से सुने, यहां पे लाइट चैप्टर में टोटल 90 न्यूमेरिकल्स हैं, 90. एक न्यूमेरिकल के लिए 5 से 10 मिनट का समय लगता है, इसलिए कोई भी न्यूमेरिकल्स हम लोग वीडियोस के फॉर्म में नहीं लेंगे. सारे न्यूमेरिकल क्लासरूम प्रोग्राम में ही होंगे. मैं रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी न्यूमेरिकल्स वीडियोस के फॉर्म में नहीं होंगे, क्लासरूम प्रोग्राम में ही न्यूमेरिकल्स होंगे. तो हमने लाइट का डेफिनेशन देखा, हमने लेंस देखा, जनरल टर्म्स देखी. आप बार बार वीडियोस को रिकॉल करो. मैंने आपको 6 डायग्राम निकाल के दी कॉन्वेक्स लेंस की, आपको भी वो डायग्राम निकालनी है वीडियो पॉज करके. उसके बाद 1 डायग्राम निकाली कॉन्केव लेंस की. उसके बाद हम लोगों ने जो है डायग्राम कंप्लीट करने के बाद कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस का डिफरेंस देखा. कॉन्केव की डायग्राम के बाद नोट देखा, कॉन्वेक्स की डायग्राम के बाद नोट देखा. उसके बाद हमने लिया अभी यहाँ पर मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस, फिर उसके बाद लिया लेंस फॉर्मूला, पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, और ए लास्ट डेफिनेशन 1 diopter. कोई कन्फ्यूजन वाला पार्ट नहीं. आप बार बार वीडियोस देखो, एक बार से कुछ नहीं होगा, कई बार वीडियोस देखो, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा. ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखें, यहाँ पे हमारा लेंसेस टॉपिक कंप्लीट हो गया. लेंसेस बहुत बड़ा चैप्टर है, अभी तो 1/3 ही हुआ, लेंसेस टॉपिक कंप्लीट हुआ, याद रखिएगा. थैंक यू.